कुछ हमारे कवर्स थे वो ठीक प्रकार से अचीवमेंट नहीं दे पाए। कोई बड़ी साइनिंग नहीं करी, मतलब लोगों ने, बाकी टीमों ने करोड़ों रुपए स्पेंड करे, लेजेंड है कबड्डी के, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हाल के सीजन में इनका थोड़ा परफॉर्मेंस, आपको पुराना अजय ठाकुर दिखेगा, तो ऐसे खिलाड़ी भारत आपको बहुत कम मिले। अब ये जो आने वाला सीजन है, कप्तानी में कोई चेंज देखने को मिलेगा कि जोगिंदर नरवाल ही टीम के कप्तान रहेंगे, तो कितना फर्क पड़ रहा है कोरोना वायरस से कबड्डी प्लेयर्स के ऊपर, कोचेस के ऊपर, कबड्डी एज अ स्पोर्ट के ऊपर? इंटरनेशनल मीडिया बोलता है कि कबड्डी सिर्फ दो कंट्री में खेली जाती है, आप उसके लिए उसको ओलंपिक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खेल नाउ टीवी। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं खेल कबड्डी के इस पहले एपिसोड में, दबंग दिल्ली के कोच कृष्ण कुमार हुड्डा। आई थिंक आप सब इनके बारे में जानते हैं, पिछले सीजन की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था, टेबल पे नंबर वन थे, फाइनल हार गए, बट आई थिंक वो जो टेबल पे नंबर वन रहने के लिए आपको पूरे पूरे सीजन में मेहनत करनी पड़ती है, वो एक मैच की परफॉर्मेंस नहीं होती है। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सर के बारे में। हुड्डा साहब रोहतक से आते हैं एंड ये अब कबड्डी में आई थिंक कम से कम 34 या 35 साल से कबड्डी से जुड़े हुए हैं, एंड आई थिंक ये इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस कोचेज में आते हैं। इन्होंने हरियाणा की स्टेट टीम को कोच किया है, हरियाणा की पुलिस कबड्डी टीम को कोच किया है, और उनको बहुत सारी ट्रॉफियां और बहुत सारी जीत दिलाई है। हुड्डा साहब इंडियन कबड्डी टीम के कोच भी रह चुके हैं, और उस दौरान उन्होंने इंडियन टीम के लिए, इंडिया के लिए सैफ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप मल्टीपल ओकेशन पे जीती हैं। हुड्डा साहब आपका स्वागत है खेलनाओ टीवी पे, कैसा लग रहा है कबड्डी वापस आ रही है? थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा, काफी दिन के बाद आपकी आवाज सुनने को मिली है सर, हमारा बहुत ही सौभाग्य है और मैं बहुत खुश हूँ। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, 2020 में आपने पता नहीं था मैं द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्राप्त कर चुका हूँ। हाँ जी सर, मुझे पता था, मैं लगाना भूल गया, तो अब आई थिंक कम ही कोचेज हैं आप जो पूरे सारे स्पोर्ट्स में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, तो ये आपकी अचीवमेंट और आपका जो प्रोफाइल है कबड्डी में, आई थिंक ये लोगों को पता है। एंड हमारे ही चैनल पे आपके जो इंटरव्यूज हैं, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, बहुत पसंद करते हैं लोग, मतलब आपकी जो अप्रोच है, जिस तरह आप बात करते हो, आप सीधे सीधे जवाब देते हो, आई थिंक लोगों को पसंद आता है वो। सर बहुत अच्छा लगता है, आप जिस प्रकार की जो हमारी प्रशंसा कर रहे हो, आपका बहुत धन्यवाद। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अभी ऑक्शन हुआ है प्रो कबड्डी लीग 8वें सीजन से पहले का ऑक्शन, क्या स्ट्रेटेजी थी दबंग दिल्ली की? लास्ट सीजन आप नंबर वन रहे थे टेबल पे, अभी ऑक्शन से पहले आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई और कैसे प्रिपेयर किया था ऑक्शन के लिए सर? सर हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि पिछली बार जो हमने थोड़ा महसूस किया कि हमारा जो डिफेंस था फाइनल में, कुछ हमारे कवर्स थे वो ठीक प्रकार से अचीवमेंट नहीं दे पाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए सर हमें काफी डिफेंस के ऊपर प्रिपरेशन करी थी, और उसके अनुसार हमने ऑक्शन में गए हैं, और वो जहां तक मैं सोचता हूँ 99% तक हम सक्सेस भी हुए हैं। अच्छा सर, तो जैसे आपने कोई बड़ी साइनिंग नहीं करी, मतलब लोगों ने, बाकी टीमों ने करोड़ों रुपए स्पेंड करे, प्रदीप नरवाल हो गए या बाकी कबड्डी, आपकी अप्रोच पहले से क्लियर थी, आपको जो प्लेयर चाहिए था वो प्लेयर मिले हैं कि नहीं मिले हैं? सर जो प्लेयर मुझे चाहिए थे, देखो 100% तो मिलते नहीं है, हमारी स्ट्रेटेजी होती है फर्स्ट देन सेकंड में जाते हैं, हमें जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उसके अनुसार मोस्टली प्लेयर मुझे मिल चुके हैं। जैसे मैंने कवर के लिए मैं उस पे गया था, ये हमारा सुरजीत नरवाल है, वो थोड़ा हाई चला गया था, हमने उसको छोड़ दिया था, तो हमारी स्ट्रेटेजी 99% में सोच रहा हूँ कि जो हमें सोचा था वो बिल्कुल सही हुआ है, और जो मैं चाहता था वो मुझे मिले हैं खिलाड़ी। तो मतलब इस बार दबंग दिल्ली पिछली बार से बेटर टीम हो गई है, मतलब पिछली बार तो फाइनल तक पहुंचे थे, बट आप, मैं फाइनल नहीं देखता हूं, मैं तो ये बोलूंगा कि नॉर्मल सीजन आप नंबर वन थे, तो मैं फुटबॉल भी देखता हूं, तो वहां पे उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि पूरे सीजन में आप नंबर वन रहे, फाइनल आपका एक गेम है, आप कोई दिन की बात होती है, आपके रेडर का दिन अच्छा नहीं चल रहा, डिफेंडर का दिन अच्छा, उस दिन मैच हार सकते हो, बट आपकी टीम ने थ्रू आउट द सीजन अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो आप दिल्ली के फैंस को और बाकी कबड्डी के फैंस को ये बता सकते हैं कि दबंग दिल्ली की टीम सर बेटर है पिछले सीजन से? अब बिल्कुल जी, मेरी नजरों में बेटर है सर, जब मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था दिल्ली के फैंस और सभी को मैंने एक ही कहा था, हम आपको मायूस नहीं होने देंगे, और उसके बाद हम सेकंड सीजन में आए थे, तो आप खुद ही कह रहे हो कि टेबल नंबर वन थे, फाइनल में हम लूज जरूर करके थे, पर लोगों का दिल जीता था, फैंस का दिल जीता था, आपका भी दिल जीता है, हमें कबड्डी दबंग दिल्ली कहा थी, हम एकदम आपके आशीर्वाद से, मेहनत से यहाँ पहुंचे हैं,
और आने वाले समय में जो हमारे बाप उम्मीद विश्वास और भरोसा कर रहे हैं उसके ऊपर हम खरे उतरेंगे। और फैंस को भी मैं कहना चाहता हूँ, निसंकोच होकर के आप हमारे को सपोर्ट करो, आपकी आशाओं को बिल्कुल भी धूमिल नहीं होने देंगे। ये मेरी सभी फैंस से रिक्वेस्ट है। सर, दबंग दिल्ली का सफर अगर आप कबड्डी में देखते हो, प्रो कबड्डी लीग में पहले सीजन पे 6वें नंबर पे, दूसरे सीजन पे 6वें नंबर पे, तीसरे सीजन पे 8वें नंबर पे, चौथे सीजन में 7वें नंबर पे, 5वें सीजन में 6ठे नंबर पे, फिर जो छठा सीजन था उसमें आए थर्ड, पिछले सीजन थे जब लास्ट 2 साल पहले जो हुआ उसमें पहले थे, तो इनका पहले इनको इतनी सफलता नहीं मिली है। अब रिसेंट टाइम में आप भी आए हैं तो अब नंबर वन रहे हैं टेबल पे, और भले ही नहीं टाइटल जीत पाए बट लगता है इस सीजन क्या पता वो टाइटल, अब जिस तरह आप टेबल में भी ग्रोथ देखोगे, थर्ड आए अब फर्स्ट आए, अब वो टाइटल ही रह गया है बस, अब फर्स्ट तो आ ही गया आप एक बार टेबल पे। सर मैं 2 साल पहले ज्वाइन किया था दबंग दिल्ली और तीसरा सीजन है मेरा ये, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वैसे तो सभी टीमें अच्छी हैं पर मैं अपने अनुसार जो मैक्सिमम दे सकता हूँ, फ्यूचर के बारे में कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता कोई भी इंसान, परंतु मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं आपका विश्वास यकीन और भरोसा टूटने नहीं दूंगा। हमारी टीम पिछले साल से काफी अच्छी है और अच्छी रहेगी और अच्छी खेलेगी, और एक खेल भावना से प्रो में दबंग दिल्ली इस प्रकार से आएगी जैसे कि एक नया सीजन में आए यहाँ, तो नए खिलाड़ी और नए टैलेंट के साथ उतरेंगे सर, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देगी। पोजीशन इज नॉट, मतलब ये नहीं कह सकते कि क्या होता है क्या नहीं होता, जैसे आपने कहा कई बार कोई खिलाड़ी का दिन नहीं है, परंतु मैं ये सोचता हूँ कि मेरी टीम इतनी, हमारी दबंग दिल्ली की टीम इतनी अच्छी है जिसका कोई अंदाजा नहीं है, और मैं उस पर पूरा विश्वास कर रहा हूँ। थैंक यू सर। जैसे संदीप नरवाल आपने साइन किया है ऑक्शन से लिया, अजय ठाकुर को लिया, जीवा कुमार के लिया, क्या इससे जो नए प्लेयर्स आपकी टीम में आए हैं आपके खेलने के स्टाइल पे फर्क पड़ेगा या स्टाइल वही देखने को मिलेगा बिल्कुल दबंग वाला जो पिछले सीजन था? उससे ज्यादा मिलेगा, उससे काफी अच्छा मिलेगा। आपने एक प्लेयर है मेरे पास, देखो नवीन है वही मेरा खिलाड़ी है, दूसरा हमारा एक और भी अच्छा खिलाड़ी विजय कुमार है, विजय मलिक बहुत ही टॉप का हमारे पास रेडर है, और हमारा रेडर अजय ठाकुर है। सबसे जरूरी बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक चीज है, ये खिलाड़ी आपको इस सीजन में इतने फिट और डिसिप्लिन मिलेंगे, शायद ही कोई प्रो में ऐसा खिलाड़ी मिलेगा जिसकी आप बात करना चाहते हो। अजय ठाकुर और मंजीत छीलर दोनों बहुत ही देश के लिए भी खेले हैं और अब दबंग दिल्ली के लिए भी बहुत ही ईमानदारी से और ये बहुत डिसिप्लिन में खेलने जा रहे हैं, और ये आज से ही प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस इन खिलाड़ियों ने स्टार्ट कर दी है और बहुत ही आपको अच्छे तरह का खेल का प्रदर्शन करेंगे और आपका मन मोहेंगे ये दोनों खिलाड़ी। मेरा अगला सवाल मैं अजय ठाकुर पे ही आ रहा था, आपने बोला कि अजय ठाकुर इंडियन कबड्डी के लेजेंड है, अभी तो काफी नए प्लेयर्स नए लड़के आ गए हैं गेम में बट आई थिंक अजय ठाकुर को हर कोई जानता है, उसके बारे में आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको सबसे ज्यादा फिट मिलेंगे। अब एक बार ऑक्शन की मैं आपको पूछना चाह रहा था कि फैंस को ये पता नहीं है, वो जानते नहीं है, ऑक्शन के लिए एज अ कोच आप कैसे प्रिपेयर करते हो, आप देखते हो कौन से प्लेयर अवेलेबल है, आपकी टीम की वीकनेस क्या है, क्या स्ट्रेटेजी रहती है एज अ कोच आपके साथ, और बाकी टीम के मैनेजमेंट के लोग रहते हैं बट कोच की क्या स्ट्रेटेजी रहती है ऑक्शन में जाने से पहले? सर हमारी ऑप्शन में जाने से पहले हम अपनी पूरी साइड देखते हैं, कॉर्नर कवर रेडिंग सारी की सारी टीम की, फिर सेकंड लाइन देखते हैं क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि ये टूर्नामेंट 3 महीने के लिए चलता है, 3 महीने का बहुत लंबा सफर है, उसके लिए हम सेकंड लाइन भी अच्छी रखना चाहते हैं और फर्स्ट लाइन में हम हमारा पूरा यही ध्यान रहता है कि हमारी वीकनेस लास्ट ईयर में कहाँ रही थी और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें होती हैं, फ्रेंचाइज से भी हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस होती है, हमारी कई बार मीटिंगें होती हैं सर, जब आप ऑक्शन की डेट दे देते तो उसके बाद पहले जूम मीटिंग भी हुई है, फोन पर भी बात करते रहते हैं, फिर उसके बाद हमने 2 दिन पहले जाकर बम्बे में हमारी स्ट्रेटेजी बनाई है, स्ट्रेटेजी के अनुसार फिर हमने ऑक्शन में गए हैं और वो उसमें फिर हम सफल होते हैं, यही मेरी सोच है सर। हम डिस्कस करते हैं, ओपिनियन देते हैं, कोच की ओपिनियन होती है, फ्रेंचाइज से डिस्कस हो जाती है और मोस्टली वही करती है फ्रेंचाइज भी, जो हम आपस में डिस्कस करके सही सोचते हैं कि ये हमारे लिए फिट रहेगी तो वही खिलाड़ी हम ऑक्शन में खरीदते हैं सर।
तो अब अपना प्लेयर पे आ जाते हैं, जो प्लेयर आपने लिए है, स्टार्ट करते हैं अजय ठाकुर से। लेजेंड है कबड्डी के, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हाल के सीजन में इनका थोड़ा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है ये टीम कंपोजिशन के वजह, जहां वो खेल रहे थे उसके वजह से है? फैंस को कैसे अजय ठाकुर देखने को मिलेंगे इस सीजन दबंग दिल्ली के साथ? मैं आपको एक 3 महीने पहले एक विश्वास दिलाता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है उसको। मैं कोच हूँ और मैं उससे रोजाना की डिस्कस कर रहा हूँ अभी, और मैं सब खिलाड़ियों से, अपने खिलाड़ियों से डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पुराना अजय ठाकुर दिखेगा, अगर आपको पुराना अजय ठाकुर नहीं दिखेगा तो मैं आपका, आप जो कहोगे वही सजा आपके लिए देने के लिए तैयार। अजय ठाकुर आपको पुराना अजय ठाकुर दिखेगा, और आप ये सोचते कि अजय ठाकुर परफॉर्मेंस उसकी डाउन होगी, अजय ठाकुर बहुत ही टॉप की परफॉर्मेंस देगा, इट इज माय थिंकिंग सर। अच्छा सर, अब ऑक्शन में इन जनरल आपने मनजीत छिल्लर की बात करी, संदीप नरवाल को आपने 60 लाख में लिया, वो आप सबसे महंगे प्लेयर हैं, तो उसके पीछे क्या आपके थॉट्स थे, किस वजह से आपने मतलब उन, क्योंकि आपने ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया ऑप्शन में, मतलब बड़े साइनिंग नहीं करी, सबसे बड़ी आपकी संदीप नरवाल है, तो उनके साइन करने के पीछे क्या रीजन था सर संदीप नरवाल को? संदीप नरवाल जैसे था सर, पहले वो जैसे हमारा एक मेन कॉर्नर है, दूसरा सेकंड कॉर्नर, दो दो कॉर्नर लेते हैं, तो मेन कॉर्नर तो एक अच्छा लेना ही पड़ता था, वो हैवी वेट का कॉर्नर है, उसको फिट भी है, वो काफी खेले भी है, और फिट हम करने लग रहे हैं उसको, अभी से मैं उसको सारी गाइडेंस करने लग रहा हूँ, डेली मैं उससे डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसको मेरी जो सोच थी कि मैंने ये पता था कि मेरी टीम के लिए, हमारी दबंग दिल्ली टीम के लिए ये बेनिफिशरी है, तो इसलिए हमने उसको ऊपर गए थे, और हमारा दूसरा कॉर्नर ऑलरेडी गुजरात फॉर्चुनर में चला गया था, तो फिर हमने दूसरा ऑप्शन के लिए यही स्ट्रेटेजी बनाई थी, हम संदीप नरवाल को लेंगे, और उसको थोड़ा अभी ये भी पैसा लगाया था थोड़ा फालतू के, कोई उसको वो ना कर ले, रिटेन ना, जो FBDM ना कर ले, तो इसलिए हमने ये लगाया था पैसा, और उसको हमने कॉर्नर चुनना था, पहले ही स्ट्रेटेजी थी, वो हमारी कामयाब हुई। अच्छा सर, सर उसके अलावा आपने जीवा कुमार को लिया 44 लाख में, वो अजय ठाकुर की बात हम कर ही चुके हूँ, 46 लाख में लिया, जीवा कुमार की साइनिंग के बारे में आपका क्या कहना है, और वो किस तरह का आप उनको इस्तेमाल करेंगे, और कैसे वो दबंग दिल्ली को और स्ट्रॉन्ग करेंगे? देखो सर, जीवा कुमार का जो भी व्यवहार और उसकी फिटनेस, उम्र नहीं देखी जाती, खिलाड़ी जब इतना अच्छा पिछले ऑक्शन में उसने खेला है, तो वो उसकी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो हर साइड पे खेलता है। Yes. 5 प्लेयर रहते हैं, कॉर्नर लेता है, राइट कॉर्नर खेलता है, लेफ्ट कॉर्नर खेलता है, सेकंड मैन खेलता है, तो ऐसे खिलाड़ी भारत में आपको बहुत कम मिलेंगे जो आपको ये लगा के राइट और लेफ्ट दोनों कॉर्नर खेल ले। आपको कई बार देखा कि दोनों कॉर्नर से रेड करने वाले काफी कम खिलाड़ी है, और एक ही कॉर्नर से कोई राइट से करता, कोई लेफ्ट से करता, तो जीवा कुमार एक ऐसा डिफेंडर जो डिफेंस में हर जगह फिट होता है, राइट कॉर्नर, राइट कवर, लेफ्ट कवर, राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, चारों साइड ये खिलाड़ी भारत का ऐसा उम्दा खिलाड़ी है जो खेल रहा है। इसको सोच करके हमने इसके ऊपर अपना दिल टिकाया और इसको ऑप्शन में इसके ऊपर गए, और पहले से ही मैं अपनी बनाई थी जीवा कुमार के लिए, और वो उसमें हम सक्सेस हुए। सर आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आपको अपने मेजॉरिटी टारगेट तो मिल ही गए हैं। अब थोड़ी ना बात मैं ऑक्शन से पहले लेके जाता हूँ। ऑक्शन में इस बार काफी टीम्स ने अपने बड़े प्लेयर्स को रिलीज कर दिया, यू नो पटना ने प्रदीप नरवाल को रिलीज किया, बैंगलोर बुल ने रोहित कुमार को किया, तो आपके मन में और टीम मैनेजमेंट के मन में नवीन कुमार को लेके कोई ख्याल तो नहीं आया कि उनको भी रिलीज कर देना चाहिए या उनको रिटेन? क्या नवीन कुमार आपको पता है कि उन्होंने लास्ट सीजन आई थिंक बेस्ट रीडर थे, अगर आप मेरे से पूछेंगे, क्योंकि बाकी रीडर की इतनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी जितनी नवीन कुमार की थी लास्ट सीजन स्पेशली, तो नवीन कुमार को रिटेन करने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, क्योंकि बाकी टीम ने अपने स्टार रीडर्स को रिलीज कर दिया था? ऐसा सर, नवीन मेरे पास NYP आया था, ये आपने खुद ही कह दी लास्ट ईयर में उसने क्या परफॉर्मेंस दिया, मैं सोचता हूँ कि आज के दिन नवीन कुमार का कोई शामी नहीं है। नवीन कुमार बहुत ही डिसिप्लिन प्लेयर है और बहुत ही अच्छी अचीवमेंट देता है, नया लड़का है। आपने एक बार कहा कि भाई थोड़ा पुराने लड़के बिखरी दे, तो नए लड़के पुराने सब मिक्स टीम बन गई है, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, और नवीन बहुत ही लायक रेडर है,
और हमारी टीम के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है और इसको हम रिटेन तो करना ही करना था सर, और ये हमारे पास रह गए खुश है और हम इसको रख के खुश हैं, तो ये तो कोई सोच ही नहीं सकती। हमारी फ्रेंचाइज जो नवीन के ऊपर जो सोचा है उसके अनुसार नवीन को रखा है और नवीन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा। आप आने वाले समय में देखोगे नवीन भारत का उभरता हुआ खिलाड़ी है, अरे तो उभर भी लिया, इंटरनेशनल हो गया, सेफ गेम खेल आया था, और आने वाले जितने भी टूर्नामेंट आएंगे आप देखोगे नवीन ही नवीन होगा, और ये मेरी विश्वास यकीन और भरोसा है नवीन पे, और नवीन को रिटेन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी था और वो अच्छा हमारी फ्रेंचाइज ने किया है और मैं फ्रेंचाइज का भी उसके लिए धन्यवाद करता हूँ सर। हाँ, और जैसे आपने कहा नए डिफेंडर जो आपकी टीम में आए हैं, आपने एक पिछले जो आपका सबसे सफल डिफेंडर रहा है रविंद्र पहल, उसको रिलीज कर दिया, एंड आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या कारण थे, उनकी कमी तो नहीं करेगी टीम को आने वाले सीजन में? बिल्कुल नहीं खेलेगी सर, मेरे पास मैंने वो लिया है संदीप नरवाल, वो भी मेरा अच्छा खिलाड़ी था, मैं उसके बारे में ये नहीं कहता कि कमी हो, बाकी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी टीम उतरेगी, बहुत अच्छी टीम खेलेगी। अगर ज्यादा ही मेरे को इस प्रकार की चिंता होती तो मैं ये नरवाल को नहीं खरीद पाता पहले, तो कोई बात नहीं, हर फ्रेंचाइज कई बार आपने देखा सारे खिलाड़ी एक क्षेत्र तो रख नहीं सकती, जब टीम फर्स्ट आ जाती सेकंड आ जाती तो उसको बजट का बड़ा बोझ हो जाता है, आप रिटेन भी सभी खिलाड़ियों को नहीं कर सकते, इसीलिए तो ये प्रो अच्छी हो रही है क्योंकि वो मिक्स हो जाते हैं इधर से उधर उधर से इधर, एक टीम लंबी तो चल नहीं सकती कि सारे खिलाड़ियों को हमें ऑक्शन में भी रिटेन भी कर ले, ऑक्शन में भी जीत जाए, जितने पैसे लगा दे परस तो सबका इक्वल है। स्ट्रेटेजी के अनुसार मेरी टीम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा पास जो ये आया है नरवाल ये बहुत ही अच्छा उम्दा खिलाड़ी और अच्छा खेलेगा, वो भी खिलाड़ी अच्छा है ये भी अच्छा खेलेगा, और फिर मेरे को विश्वास बहुत अपने खिलाड़ियों, जो मेरे पास जो खिलाड़ी आ जाता है मैं आत्मा से कहता हूँ दिल से जो मेरे अंदर से निकल रही है बात, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं यही नहीं सोचता ये खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलेगा, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव और सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए और सपने भी ऊंचे ही होने चाहिए, और ये मेरे अनुसार टॉप से टॉप खिलाड़ी परफॉर्मेंस इस सीजन में मैं दबंग दिल्ली टीम। सर अब एक थोड़ा ना मैं आने वाले सीजन में अब कप्तानी की बात कर लेते हैं, अजय ठाकुर भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं, आपके टीम के कप्तान जोगिंदर नरवाल रहे हैं पिछले सीजन में, अब ये जो आने वाला सीजन है कप्तानी में कोई चेंज देखने को मिलेगा कि जोगिंदर नरवाल ही टीम के कप्तान रहेंगे? देखिए सर अभी कप्तान का कोई ज्यादा झगड़ा नहीं है, परंतु मैं आपको बता दूं कप्तान ये जोगिंदर नरवाल इनमें सबसे सीनियर खिलाड़ी, वो अचीवमेंट में अजय ठाकुर और वो सभी खिलाड़ी अच्छे हैं मैं मानता हूँ, बाकी मैं ज्यादा कप्तान को चेंज करने के फेवर में नहीं, और उनको भी कोई ऐसी चीजें नहीं है कि वो चेंज चाहते हैं, वो खिलाड़ी है उन्हें खेलना, कप्तान बनाएंगे तो कप्तान बनकर खेलेंगे, अगर वैसे खिलाऊंगा तो वैसे खेलेंगे, उन्हें मेरे पे विश्वास है, मैंने अपने खिलाड़ियों पर विश्वास है, कप्तान का इशू मेरी टीम में ना कभी पहले होया ना ही भाग्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, जोगिंदर नरवाल को भी अगर मैं कप्तान रखूंगा तब भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात बताइए, हम नवीन जैसे यंग प्लेयर को आप लेके आए कबड्डी में, आप उनका राइज हुआ है, इस आने वाले सीजन में कोई यंग प्लेयर है जिनके बारे में फैन सभी जानते नहीं है जो आपका लगता है कि वैसा ही इंपैक्ट कर सकते हैं कुछ आने वाले कबड्डी प्रो कबड्डी लीग के सीजन में? हाँ सर एक दो खिलाड़ी है, एक तो अभी ये स्टीलर ने लिया है मित्तू नाम से है, हरियाणा से बिलोंग करता है, उसे वो जूनियर नेशनल का भी गोल्ड मेडलिस्ट था और वो बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ था, और सीनियर नेशनल में भी हरियाणा की तरफ से खेल रहा था, अच्छा खेला है वो लड़का, और मुझे लगता है दो चार तीन लड़के और भी मेरी नजरों में है, चार पांच लड़के वो आने वाले समय में आपको प्रो में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और आप भी न्यू वर्ल्ड को देखोगे तो बहुत ही आ रहे हैं चार पांच छह सात लड़के, देखो सारे नवीन तो नहीं बनेंगे, ये तो आप सब नवीन नहीं हो सकते, नवीन की जो परफॉर्मेंस है वो अलग टाइप की है, नवीन लास्ट ईयर का मोर वैल्यूएबल प्लेयर था, जो आपने भी उसको 20-25 लाख रुपए दे के स्वागत किया था उसका ट्रांसपोर्ट या हमारे लिए कमिश्नर साहब ने, तो इतना वैल्यूएबल प्लेयर तो शायद नहीं बन पाएंगे, बाकी काफी अच्छे खिलाड़ी आए हैं जो आपको परफॉर्मेंस दे। सर डिफेंस में अब आपके पास दो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर आ गए हैं आपके पास, अनुभवी प्लेयर जिन्हें बोलते हैं मंजीत छिल्लर और जीवा कुमार, इनके आने से क्योंकि पिछली बार थोड़ी डिफेंस में थोड़ी कमी दिखी थी रेटिंग में कुछ, यही पूरी करी है सर, मैंने सोचा यही था, मेरे पास पिछली बार कवर की तरफ से थोड़ी दिक्कत आई है और वो ही मैंने चेंज करे, जीवा कुमार हमारे में तभी मैंने पूरा भरोसा है और मंजीत पे भी पूरा भरोसा है,
इसलिए मैंने ये थोड़ा इधर चेंजिंग करी है और ये हमारी फ्रेंचाइज की और हमारी मिलकर स्ट्रेटजी बनी थी वो जिसमें के हम कामयाब हुए। सर ऑक्शन के बाद आपको दिल्ली के अलावा कौन सी टीम बैलेंस सबसे बैलेंस लगी आपको, जो लगता है कि अच्छा कंपटीशन देगी दबंग दिल्ली को इस बार? देखो सर टीम तो सारी मैं 12 की 12 अच्छी मानता हूँ, मैंने कभी भी किसी भी टीम को कमजोर नहीं समझा। मैं आत्मा से कहता हूँ जो जिस पर कमजोर समझ लेगा उसी टीम लूज कर जाएगी। ये कबड्डी गेम है, इसको तो सारी टीम कति इक्वल है और थोड़ा फर्क होता है उसमें, वही होता है मोरल मोटिवेशन फिटनेस और स्ट्रेटजी। तो हर गेम के साथ हर टीम के साथ स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे। मेरे अनुसार तो जी 12 की 12 टीम अच्छी है और काफी, मैं ये नहीं मान रहा कि एक टीम ऐसी हो जाएगी कि वो जाते होगी, रही अच्छी टीम, मैं अपनी को भी बहुत अच्छी टीम मानता हूँ। तो बहुत ही बढ़िया। के अलावा मैं पूछ रहा था सर कि दिल्ली तो अच्छी है ही, मतलब आपको क्या लगता है कौन ज्यादा टक्कर देगी इस बार दबंग दिल्ली को? सारी टीमें हैं 12 की 12 जो है टीमें अच्छी खेल लेंगी, बाकी अच्छी है यूपी भी ठीक है, पिंक पैंथर भी ठीक है, काफी टीमें हैं तो जिसकी तरफ ध्यान देवा हाँ, तो अच्छे खिलाड़ी भी जा रहे हैं, टीम भी अच्छी है और किसी में डिफेंस भी काफी अच्छा है, जैसे गुजरात फॉर्चुनर का थोड़ा डिफेंस भी ठीक है, इसका आया कवर पहले ऑलरेडी इंडिया के है, एक कॉर्नर है, एक दूसरा कॉर्नर ग्रीस है, तो सारी टीमें ठीक है इक्वल ही है। बाकी कई टीमें में जो रेडर साइड है उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है और रेडर साइड की टीम है, मैं हमारी टीम को किसी से कम नहीं मानता, किसी से ऊपर नहीं मानता, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। बाकी काफी अच्छी टीम है सर, लेवल अच्छा है और टीमों का। सर अब थोड़ा कोविड की बात कर लेते हैं क्योंकि अब देखिए पहले हम साथ बैठ के इंटरव्यू करते थे, आज हम जूम पे इंटरव्यू कर रहे हैं आपका। कबड्डी एक कॉन्टेक्ट स्पोर्ट है, उससे कितना फर्क पड़ा है पिछले 2-3 साल में, जब 2 साल हो गए हैं कोविड को आए हुए इंडिया में, यू नो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट स्पोर्ट तो बिल्कुल ही बंद कर दिए थे गवर्नमेंट ने, अब जाके दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं, तो कितना फर्क पड़ रहा है कोरोना वायरस से कबड्डी प्लेयर्स के ऊपर, कोचेस के ऊपर, कबड्डी एज अ स्पोर्ट के ऊपर? ऐसा सर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है क्योंकि 2 साल हो गए, फ्रेंचाइज प्रो भी नहीं कर पाए, प्रो नहीं होने की वजह से खिलाड़ी फिटनेस में इतने नहीं रहते थे। अब बहुत ही मैं धन्यवाद करता हूँ लीग कमिश्नर साहब का, स्टार स्पोर्ट्स का और जितनी भी मैनेजमेंट है, इन एक अच्छी मीटिंग कर हमारे को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। 2 साल हो गए थे, खिलाड़ी भी एकदम से सारे एक्टिव हो रहे हैं, सभी प्रैक्टिस में है और आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस तो सारे खिलाड़ी अब करने लग रहे हैं, सभी ने पता है फिट होकर जाओगे, 3 महीने का टूर्नामेंट है और आपने ऑप्शन करा दिया 2-3 महीने पहले, उससे हमारे को और बेनिफिट हो गया। हम सारे खिलाड़ियों से डिस्कस कर रहे हैं और सभी फिट होकर आएंगे। फिर हमारे मैनेजमेंट है वो कैंप की सोच रही है, वो पहले कैंप भी देंगे हमारे को, तो ये एक अच्छी स्टार्ट करी है। कोविड से जो थोड़ा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था उसकी पूरी भरपाई तो नहीं, पर लीग जो हमारी प्रो कबड्डी है इसने भरपाई करने की काफी कोशिश की है, जैसे ओलंपिक भी हो गया, इन्होंने भी सोचा है कि भाई कुछ न कुछ तो कराना पड़ेगा, अगर हम कराएंगे नहीं टूर्नामेंट तो सारे खिलाड़ी इतनी अच्छी रिक्रूटमेंट तो कैसे रहेगी काफी लंबा टाइम होने के बाद। तो अच्छा होया सर, कोविड का ध्यान रखते हुए हम खुद भी अवेयरनेस हो रही है हमारे अंदर सर, हम बॉडी कॉन्टैक्ट है गेम मानता हूँ मैं, और बॉडी कॉन्टैक्ट के साथ साथ हमें एक दूसरे से इतना कॉन्टैक्ट तो नहीं कर रहे, जो हमारे साथ नहीं खेल लेंगे उनसे हम कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे तो हम कोविड को अवॉइड कर देंगे। अच्छा सर, जाने से पहले एक मेरा सवाल है कि ऑफकोर्स अभी ओलंपिक भी आपने टच किया, पिछले 2.5 सालों में कबड्डी को थोड़ा अलग अट्रैक्शन मिला, एक एनएमए सीरीज आई थी, एनएमए बहुत पॉपुलर है ईस्ट एशिया में, कबड्डी के ऊपर लोग नई जानकारी ढूंढ रहे, हमारे चैनल पे कबड्डी के पुराने वीडियो बहुत देखे जा रहे हैं इंडियंस नहीं बाहर के, आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ी डिबेट है कि कबड्डी को ओलंपिक में होना चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया बोलता है कि कबड्डी सिर्फ 2 कंट्री में खेली जाती है, आप उसके लिए उसको ओलंपिक में नहीं डालते, बट इस बार में कबड्डी पीकेएल के ऑक्शन में ही देखा, फॉरेनर आपके जगह जगह से आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कबड्डी ऐसे स्पोर्ट को जिस इंडिया अच्छा है सिर्फ इसीलिए ओलंपिक में नहीं डाला जा रहा है कि ओलंपिक में होना चाहिए कबड्डी को, जब एशियन गेम्स में है तो ओलंपिक में क्यों नहीं? ऐसा सर जो ये आपने बात की बहुत ही होने वाली चीज है, भारत ने काफी ताकत लगा भी रहा है, हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आगे जब प्लेटफॉर्म भरेगा, जो ओलंपिक समिति की मीटिंग होगी वहां जरूर रखते होंगे, हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी काफी ट्राई कर रहा होगा, मेरे नॉलेज में तो कर ये बातें नहीं है, पर मैं तो उम्मीद करता हूँ सरकार से भी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से भी, अपनी फेडरेशन से भी,
इसको ज्यादा से ज्यादा तजुर्बो दे करके अपने कोरस्पोंडेंस करके ओलंपिक में ये होनी चाहिए, तो भारत को एक और गोल्ड मेडल मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि कबड्डी जो हमारी लीग शुरू हुई है ये ओलंपिक तक लेकर जाएगी। जिस प्रकार से आप लोग हमारे इंटरव्यू ले रहे हो, आप लोग हमारे को मोटिवेट कर रहे हो, स्टार स्पोर्ट्स ने हमारे को इतना वेटेज दी है कि हम पूरे वर्ल्ड में छा रहे हैं, तो वो भी समय दूर नहीं है कि जब आपको ये ओलंपिक में दिखा। परंतु आपके बगैर, मीडिया के बगैर, स्टार स्पोर्ट्स के बगैर, लीग कमिश्नर के बगैर, लीग के फ्रेंचाइजों के बगैर ये काम नहीं होता। जब ये घराने, जो उद्योग घराने हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये जरूर से जरूर इस कबड्डी को ओलंपिक में इंक्लूड कराएंगे, और हमारी सरकार, भारत सरकार काफी मेहनत करेगी, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो हमारा प्रेसिडेंट साहब है उसके पास हमारी फेडरेशन कोरस्पोंडेंस करेगी, तो कभी न कभी ओलंपिक समिति की मीटिंग होगी, रखा जाएगा एजेंडा, उसमें हम सक्सेस होंगे। अगर आप लोग इस प्रकार से हमें फेमस करते रहोगे, तो आप सोचना कि 100% ये ओलंपिक में इंक्लूड होगी, ये मेरी सोच है सर। ठीक है सर, एक जाने से पहले कोई मैसेज है कबड्डी के फैंस के लिए आपके पास? मैं तो यही कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये, मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारा फ्रेंचाइज ने, लीग कमिश्नर ने, स्टार स्पोर्ट्स ने मिलकर हमारे को दोबारा मौका दिया है, तो हम अपने फैंस को अच्छी कबड्डी दिखाएंगे और आपका मन मोहेंगे। और जिस प्रकार से आज खिलाड़ी एक्टिव हो चुके हैं, वो सारे के सारे आपने टीम में दिखेंगे, दिखने के बाद आप उन लोगों के साथ जितना प्यार था और प्यार बढ़ जाएगा, और आने वाले समय में कबड्डी और पॉपुलर होगी। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने भी हमारे को बहुत ही पॉपुलर किया है, और आगे भी करते रहना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब आपको हम सीजन के दौरान ही मिल पाएंगे, तो होपफुली दबंग दिल्ली अच्छा करे, और हमारे दर्शकों के लिए वैसे बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दिल्ली के ही हम और इंटरव्यूज आपके लिए लेके आएंगे, बाकी कबड्डी टीम के भी इंटरव्यूज आपके लिए हम लाते रहेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।